हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 6 राज्यों में नए राज्यपाल। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के बारे में पूछा जाता है। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पहले तो हम ये जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट क्वेश्चन वो है जो कि कई बार आ चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब जो 6 नए राज्यपाल बने हैं उनके बारे में बता दूं। झारखंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? संतोष गंगवार को। संतोष गंगवार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। प्रश्न यहाँ पर किस तरह से फ्रेम होगा कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? संतोष गंगवार। हरिभाऊ किशन राव बागड़े, महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है। असम के पूर्व सांसद रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। अब प्रश्न यहां भी किस तरह से फ्रेम हो सकता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो रामेन डेका है। मेघालय का राज्यपाल जो है वो CH विजय शंकर को बनाया गया है। मेघालय और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति ने 6 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है और 3 राज्यों में है राज्यपालों का स्थानांतरण किया, ट्रांसफर किया है। तो झारखंड के जो राज्यपाल अभी तक थे CP राधाकृष्णन, उन्हें अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। इसी तरह असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को जो है वो पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। पंजाब के राज्यपाल बुनवारी लाल पुरोहित ने अभी हाल ही में अपना त्यागपत्र दे दिया था। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को जो है असम का राज्यपाल बनाया गया है और उन्हें मणिपुर राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक GK एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।